बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी प्रभास के कल के कैरेक्टर को जोकर बुलाते हैं, नानी अरशद वारसी को एक ऑपरचुनिस्ट बुलाते हैं, बदले में पूरी ट्रोल आर्मी नानी के अगेंस्ट लग जाती है और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट शाश्वता चैटर्जी आकर डिफेंड करते हैं प्रभास को। अपने आप में इंडिया की ये काफी हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। इंडियन सिनेमा अपने आप को बहुत बड़ी चीज मानता है, अपने आप को बहुत बड़ी बात बोलता है, लेकिन यहाँ पर जब दो एक्टर्स के बारे में, तीन एक्टर्स के बारे में ये सब छींटा कशी चलती है तो एक्चुअल मनोरंजन किसका हो रहा है? ट्रोल आर्मी का, जनता का, लोगों का, आउटसाइडर्स का और उन लोगों का जो एक्चुअली सिनेमा में कभी बिलीव नहीं करते थे। ये काफी दुख की बात है कि अरशद वारसी, एक इतने सीनियर एक्टर जो बॉलीवुड में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, सर्किट जैसे कैरेक्टर को उन्होंने जान डाली, जॉली LLB के कैरेक्टर में उन्होंने काम किया, लेकिन जब वो एक फिल्म के बारे में बात करते हैं तो ब्रूटली ब्लंट नहीं हो सकते। देयर हैज टू बी एन आर्टिकुलेशन इन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सीनियर एक्टर लाइक प्रभास। यहाँ पर जितने बड़े अपने आप को अरशद वारसी समझते हैं, मेरे ख्याल से उनसे कई 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 गुना बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रभास ने दी है। मैं यहाँ पे हेटर्स की भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हेटर्स एक्चुअली वो हैं जो कब से प्रभास को ट्रोल कर रहे थे, जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कब से प्रभास की फिल्मों के बारे में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अपने रिव्यूज में, अपने वीडियोज में यहाँ पर साफ तौर पर डिफेंड किया है प्रभास को, क्योंकि प्रभास ने कभी इससे पहले किसी भी एक्टर के लिए, ना इससे पहले ना अब करेंगे, किसी भी एक्टर के लिए इस तरीके के कॉमेंट्स पास नहीं किए हैं। सो एक मर्यादा बोलते हैं, एक एक्टर की एक पद की गरिमा बोलते हैं, जिसको सही समय पर सही ढंग से बोला जाना चाहिए। अरशद वारसी एक काफ़ी नामी ग्रामी एक्टर हैं बॉलीवुड में या नॉर्थ बेल्ट में, या अगर हम बोलें हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स में भी हमने अरशद वारसी का काम देखा है, बहुत सराहा है, बहुत हंसे हैं उनके जोक्स पे हम, लेकिन इस जोक पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि उनका ये जो एक कॉमेंट था, वो कॉमेंट उनके काफ़ी पर्सनल रिमार्क की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बहुत समय हो गया यार बकते हुए, बोलते हुए बहुत समय हो गया, साउथ इंडस्ट्री को जाकर देखो, इनके एक्टर्स से सीखो, ये एक्टर्स वो हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। डू नॉट लुक एट देयर कॉम्प्लेक्शन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन भी मैं आप बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को चुभेंगी। डू नॉट लुक एट द हेयर स्टाइल, यू नो, एंड ऑल ऑफ दैट। आप जाकर उनका टैलेंट देखो, उनकी कहानियां देखो, कितने सालों से, दशकों से बॉलीवुड इसी साउथ इंडस्ट्री की कॉपी करता आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक समय जब ऐसा आ जाता है जब केवल और केवल नेगेटिविटी ही चलती है, तो नेगेटिविटी चल रही है। सैडली ऐसा हुआ है कि अरशद वारसी ने भी शायद जब वो बोलना चाह रहे हैं उस बात को, मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, मे बी ही डिड नॉट लाइक द मूवी, मे बी ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन उस ओपिनियन को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो बहुत बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। और यहाँ पर आकर अरशद वारसी को बोलना पड़ेगा, उनको बोलना चाहिए, आई डिमांड कि उनको बोलना चाहिए कि उनकी बात को मिसकंस्ट्रू किया गया फ्रॉम द मीडिया, बट इट्स नॉट हैपनिंग। मे बी ही वांटेड दिस, मे बी ही वांटेड दिस काइंड ऑफ पब्लिसिटी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी। बट इट्स सैड टू नो कि अरशद वारसी, आप दिल के इतने अच्छे, इतने साफ इंसान दिखते हैं, मगर ये सब हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, आप उस पर कोई कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो। दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। वेयर एज दूसरे तरफ चलते हैं, नानी ने एक कमेंट किया था, नानी ने एक कमेंट किया था अरशद वारसी के इसी कमेंट के ऊपर एक मीडिया इंटरेक्शन में, जिसमें उनसे पूछा गया कि अरशद वारसी ने जो बोला है उस पर आपको क्या बोलना है। एक तो वो इरेलीवेंट क्वेश्चन था, लेकिन उसका जवाब जब नानी ने दिया, उन्होंने ये बोला कि मुझे, मैं इन एक्टर को नहीं जानता, मेरे ख्याल से इनको इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी इसीलिए मिली है कि ये इस कॉन्ट्रोवर्सी में आ गए, नहीं तो प्रभास की वजह से बाकी और भी कई लोग हैं छोटे छोटे जिनको पब्लिसिटी मिल जाती है और ये उन्हीं में से एक है। इस तरीके का कुछ कॉमेंट नानी का था। नानी को अगर आप नहीं जानते हो, ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही शानदार एक्टर हैं, बहुत ही शानदार, एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्टर ही इज। मैं बहुत सारी इनकी मूवीज देख चुकी हूँ और लेटेस्ट में उनकी एक मूवी थी दसरा, जो मैंने कवर भी करी थी। अब एक और फिल्म आ रही है नाउ, व्हेन ही केम टू नो, अब सुनो हम्बलनेस ऑफ नानी। जब उनको पता लगा कि उनसे जो सवाल किया गया उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था और उन्होंने उसके बाद जो चीज़ बोली, उनको लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है, जिसके बाद उन्होंने पब्लिक अपॉलोजी टू अरशद वारसी करी है। इसको बोलते हैं इंसानियत, इसको बोलते हैं एक अच्छा इंसान, कि उन्होंने जब ये लगा कि ये मिसकंस्ट्रू हो गया है, ये मिस मतलब ये मैसेज गलत जा रहा है, मिस इंटरप्रेट हो चुका है, उन्होंने जाकर के पब्लिक अपॉलोजी करी ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। बहुत दम चाहिए, अरशद वारसी में वो दम नहीं दिख रहा मुझे इस वक्त, बहुत दम चाहिए जो उन्होंने इस तरीके की आकर पब्लिक अपॉलोजी करी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो सोशल मीडिया पे वाइल्ड फायर की तरह चलती हैं। अब जब से नानी का ये कमेंट आया है, तब से भी ट्रोल आर्मी नानी के और पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि ये ट्रोल आर्मी अनपढ़ लोग हैं,
ये अनपढ़ है, इनका कोई फेस नहीं है, इनका कोई सोशल मीडिया पे डीपी भी नहीं है, प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं है, लेकिन इनकी फॉलोइंग बहुत है, फैन क्लब बहुत बड़ा है, इसलिए पीछे लग चुके हैं अब ये नानी के पीछे लग चुके हैं जो अरशद वारसी के या बॉलीवुड के सपोर्टर्स हैं या ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज के सपोर्टर्स हैं या जो मीडिया पोर्टल्स हैं। दैट्स सैड टू सी इफ अ पर्सन इज कमिंग एंड एक्सेप्टिंग हिज यू नो हिज स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग एंड हिज मिस्टेक, तो फिर यहाँ पर तो बात ही खत्म हो जाती है ना यार। लेकिन बात खत्म करनी नहीं है, ट्रोल आर्मी को खत्म करनी नहीं है, और अरशद वारसी से तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो आकर सामने से कुछ बोलेंगे ही नहीं इस बात पर, अपनी सफाई पेश नहीं करेंगे, लोगों को ये नहीं बताएंगे कि उनके मुंह से कुछ जो निकला है उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। वो ये कहना चाह रहे थे कि बाहुबली में जैसा हमने प्रभास को देखा, हम वैसा प्रभास देखना चाहते थे, भैरवा वैसा देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर हमको वो नहीं मिला। बट वो वर्ड्स, वो जोकर वर्ड तो उन्होंने यूज किया है, वो तो मीडिया ने यूज नहीं किया है, वो तो जोकर तो बोला उन्होंने, जोकर वर्ड तो उन्हीं के जबान से निकला है। अगर निकला निकला है, अगर गलती से निकला है, स्लिप ऑफ टंग है, इट शुड बी रेक्टिफाइड, डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए। नहीं होगा अगर वो नहीं होता है, आने दो फिर फिल्में, आने दो फिर आने वाले टाइम में, फिर देखना फिर ऑडियंस क्या करती है। ऑडियंस ही सुप्रीम पावर है, और सुप्रीम पावर से मुझे याद आया कि कल्कि में जो कैरेक्टर निभाया है, सुप्रीम यास्किन के जो राइट हैंड का कैरेक्टर निभाया है शाश्वता चैटर्जी ने, उन्होंने भी आकर सपोर्ट किया है प्रभास को, ये बोला ही वॉज प्लेइंग अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, हाउ कैन यू कॉल हिम अ जोकर, ही वॉज प्लेइंग अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, इट वॉज ट्रू। ये बात सच है कि वो जो कैरेक्टर है भैरवा का, वो कैरेक्टर भाई अभी तो आप पार्ट टू में उसका और देखोगे, उसका जलवा देखोगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, हाउ कैन यू जस्ट कॉल हिम अ जोकर। दैट वॉज माई फ्यूरी, मेरे नाराजगी का सारा रीजन यही था कि एक अच्छे एक्टर को, एक ऐसे एक्टर को जिसने इससे पहले बहुत सी फिल्मों में काम किया, कितने सारे लोगों को हेल्प किया होगा, पर्सनली हेल्प किया होगा, सपोर्ट किया है बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों को, आ करके आता है कोई इंटरव्यू देते हैं और दे इंटरव्यू देने के बाद इस तरीके की बातें मुझसे निकाल देते हैं, और निकल जाती हैं अगर तो उसका डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं करते हैं। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सारी यहाँ है कि अरशद वारसी आकर इस पर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं कि मुझसे गलती से निकला, दैट मीन्स ही मीन्स इट, जो निकला है, जो बोला है, उसके साथ ही स्टैंडिंग बाय इट, एंड इफ ही स्टैंडिंग बाय इट देन ही हैज़ लॉस्ट माई रिस्पेक्ट एज अ पर्सन, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। एक पूरे के पूरे आप मतलब बहुत बड़े फैंडम को आपने हर्ट किया है, फैंडम भी छोड़ो, मैं कहती हूँ फैंडम भी छोड़ो, आप किसी पर पर्सनल रिमार्क नहीं कर सकते, पर्सनल रिमार्क नहीं कर सकते, उस कैरेक्टर के ऊपर भी रिमार्क आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उसको जोकर जोकर बुलाएं। और उसके बाद तो मीडिया ने वैसे भी कई बातें बोली, कई ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो प्रभास के नेगेटिव ही रहते हैं, प्रभास के अगेंस्ट ही रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के ऊपर वो भी बोल रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वॉज वर्स्ट, वर्स्ट इट वॉज। तो आपको क्या लगता है, क्या आकर अरशद वारसी कभी अपने मुँह से माफ़ी मांगेंगे इस मुद्दे के ऊपर या नहीं, या इसी तरीके से ट्रोल आर्मी को और बाकी जो मज़े लेने वाले लोग हैं उनको मसाला मिलता रहेगा? फॉर मी इट्स वेरी सैड, इट्स अनफॉर्चुनेट। इंडियन सिनेमा की बात होती है, जब कल्कि के क्रेडिट लेने की बात होगी या किसी और फिल्म के, साउथ की फिल्म के क्रेडिट लेने की बात होगी, बॉलीवुड खड़ा हो जाएगा सामने आके, इट्स एन इंडियन फिल्म, व्हाट एन इंडियन फिल्म। लेकिन जहां पर इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई सवाल पूछा जाएगा तो सबके मुंह में दही जमेगा, ये भी मैं बता रही हूँ। तो क्या लगता है आपको इस सबके बाद, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स।